की रहने वाली एक पीड़िता ने अपने व अपने नेबर के साथ गांव के रहने वाली दबंगों द्वारा की गई पूरी तरह मारपीट की रिपोर्ट दर्ज न होने पर पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया है और रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है। जिला मुख्यालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर खड़ी पीड़िता का नाम अनीता देवी स्वर्गीय अवधेश कुमार निवासी ग्राम सराय थाना कुरावली है। यहाँ इसने एक शिकायती पत्र दिया है जिसमें इसने बताया कि वे अपने देवर अमित के साथ घर से बाजार के लिए बाइक पर सवार होकर आ रही थी, तभी रास्ते में गांव का रहने वाला दबंग निर्मल पुत्र राज बहादुर मिला, जिसने उसकी बाइक को रुकवाया और उसके देवर अमित के साथ गाली गलौज करने लगा। जब उसके देवर ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट करने लगा। साथ ही पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तो उसने पीड़िता के साथ पूरी तरह मारपीट की। मारपीट में चोटिल हो गए पीड़िता और थाने पर तहरीर दी गई, लेकिन अभी तक पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं की है। मजबूरन पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आज यहाँ एसपी कार्यालय आई है, क्या समस्या थी, किस बात को लेकर आए थे? सर मेरी लड़की है जो गलत वो अपने कब्जा में कर रही है, जब हमने कही तो हमारे देवर की कपड़ी फाड़ दी, हमारे कान आन फाड़ दी। कौन किए हुए कब्जे में? वो निर्बल। फिर हमने कही साहब तब उसने मार पीट कर दी हमारे देवर की। अच्छा, इसकी शिकायत की थी आपने थाने में? हाँ, हमने एसीओ साहब के यहाँ गए थे शिकायत करने। तो कोई कार्रवाई हुई? वहाँ पुराली थाने में सुनी नहीं था, फिर हम यहाँ पे मैनपुरी आए। मैनपुरी आए? हाँ। पहले आप एसपी साहब से मिली थी, कोई कार्रवाई हुई थी उस पर? हाँ, उनने निर्मल ने पैसा भर दिए, सो वहाँ से छुटे आए, फिर वो आओ फिर गाली देने लगा कि अब तो मेरा कर पास कर ले, गुंडागर्दी में रहता है वो, हजारों केस बातें लगी।